पूरे 5,000 लिए हैं रानी ने वो दवा बनाने की। आप फिक्र ही ना करें, बस 2-4 दिन में जरा सुकून हो जाए, फिर आपको जुड़ाव कंगन बनवा कर दूंगी। चुप। जो साइमा के फेल की वजह से थी, लेकिन रिवॉल्वर के छीना झपटी में साइमा को गोली लग गई। झूठ है, बता रहे हैं, ड्रामा रचा रहे तुम लोग। अगर ये सब कुछ झूठ है तो मैं अपने भाई को जेल में खुद भिजवाऊंगा, क्या खुद पुलिस को बुला के अरेस्ट करवाऊंगा? अगर आप समझती हैं कि ये झूठ है तो चाहे जाकर चंदो पुप्पो से पूछ ले, जब वो यहां से फरार हो रही थी तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। याद रखना झांसी, मैं अपनी दोनों बहनों का खून तुम लोगों को माफ नहीं करूंगी। FIR कटवाऊंगी मैं तुम्हारे खिलाफ, मैं फांसी के तख्ते तक लेके जाऊंगी तुम्हें, और इस माँ के खिलाफ जिसके होते हुए मेरी बेटियों के जनाजे उठे। राहिला, तुम मम्मी को लेकर मेरी गाड़ी में भर जाओ, ड्राइवर है। मैं इन लोगों को इनके अंजाम तक पहुंचा कर आती। अगर साइमा का कातिल गिरफ्तार है तो शकीला का कातिल भी यूं आजाद नहीं फिरेगा। रहम करो। तुम्हारे दो बेटों के जनाजे उठे होते ना, तुम्हारा कलेजा फटा होता तो मैं तब तुमसे पूछती, तुम कैसे रहम करती? चलो, मैं नहीं बख्शूंगी, मैं नहीं बख्शूंगी अपनी बेटियों का खून। तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी मैं। अम्मी, कभी माफ नहीं करूंगी। अम्मी चले, अम्मी चले, ये दुआएं देना इनका हक है और हम इसके हकदार। हाँ हया, तुम अदनान की तरह मुझ पर भी केस कर दो, मैं भी कातिल हूं, मुझे भी फांसी पर चढ़ा दो प्लीज। नहीं मां, मुझे हाथ ना लगाएं प्लीज, मैं भी कातिल हूं, मुझे हाथ ना लगाएं प्लीज। नर्स कहाँ है? नर्स को बुलाओ। वो शबनम आंटी, वो तो उस कमरे में नमाज पढ़ रही है। आपकी तबीयत खराब है ना मामा? हाँ, ऐसा करो बेटा, मुझे ये टैबलेट दो निकाल के। मामा ये? नहीं, दूसरी। मैं ये? हाँ ये, हाँ ये दो मुझे, पानी दो। मामा, मैं हया मामा को फोन करूं? वो पता नहीं कहाँ चले गई हैं। नहीं बेटा, उन्हें फोन मत करो, परेशान मत करो उन्हें फोन करके। मामा, आपको मैंने सब बता देती हूँ। बस बेटा, मेरे सर पे हाथ रख लो।
अदनान दिल तो नहीं मानता कि तुम्हारी बातों पे यकीन करूं मैं। भैया तुम्हारा हक है कि तुम मुझ पर यकीन ना करो, लेकिन खुदा पर यकीन रखती हो तो हकीकत यही है कि शकीला भाभी की जान सायमा और शन्नू ने ली है। शन्नू ने दवाई लाके दी थी, पानी में मिलाकर सायमा ने दी थी उसे। मेरी बात का यकीन रखो। तो फिर तुम सजा अपने आप को क्यों देना चाहते थे? मैं भाई को कैसे बताता कि उसकी खुशियों की कातिल मेरी बीवी है सायमा। और अब तुम खुद भी कातिल बन गए। फांसी तुम्हारा मुकद्दर है अदनान। मैं खुदा तो नहीं हूं कि मैं अपना मुकद्दर बदल लूं, लेकिन हया हकीकत यही है कि शकीला भाभी की जान सायमा ने ली है। अगर ये सब कुछ मेरा मुकद्दर है तो मुझे ये भी मंजूर है, लेकिन मेरी एक बात का यकीन जरूर रखना हया, मैं कभी भी सायमा की जान नहीं लेना चाहता था। अब तुम लाख यकीन दिलाओ और मैं यकीन कर भी लूं तो इससे क्या फर्क पड़ता अदनान? तुम कातिल हो, और याद रखना जहांजेब ने भी कत्ल किया था, मेरी बहन शकीला के इतबार का, उसके भरोसे का, उसके किरदार का शिकी थी उसने, उसका नसीब भी ये सलाखें होंगी, याद रखना तुम। हया, मुझे बचा लो हया, प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। मुझे सायमा ने वरगलाया था, वो शकीला की दुश्मन थी और उसके बच्चे की भी। सायमा? वो उसी ने मुझे लालच दिया था, बल्कि एक लड़के इमरान को पैसे दिए थे ताकि वो शकीला को बदचलन साबित कर सके। मेरा यकीन करो या मेरा यकीन करो। और वो दवाई? वो दवा मैं लाई थी और मैंने ही मिलाई थी उसकी खुराक में, बेहोश होती शकीला को होश में लाने के बहाने, मगर पिलाई मैंने नहीं थी आया। वो अदनान ने हमारी बातें सुन ली थी और मैं अदनान को देखते ही भाग गई, सायमा पकड़ी गई और वो ही मारी गई। और मैं मुझे बचा लो हया, मैं मरना नहीं चाहती। वो लिफाफा तुम्हें उस सायमा की अलमारी से मिल जाएगा, ब्राउन कलर का लिफाफा है। मेरी बात का यकीन करो हया, हया मुझे बचा लो, अल्लाह का वास्ता तुम्हें मुझे बचा लो। साहब दरवाजा खोलें, साहब दरवाजा खोलें, साहब बेगम साहबा दरवाजा नहीं खोल रहा। साहब क्या हुआ असलम? नहीं खोल रहा साहब दरवाजा, दरवाजा नहीं खोल रहा, तोड़ दो, तोड़ दो। जहाजेब, जहाजेब बेटा होश में आओ, उठाओ उसे। जाकर पानी का गिलास ले आओ, जाओ जल्दी से पानी लेके आओ। ध्यान से होश में आ जाओ बेटा, मर जाएगी तुम्हारी माँ। ध्यान से बेटा, जाओ होश में आ जाओ। मैं आ गई एक बार फिर अपनी ममता का जनाजा निकाल कर, अपना सब कुछ लुटा कर। आप बैठे हैं, मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं चाहिए मुझे पानी, कुछ नहीं चाहिए। हाँ वहाँ पे और थे ना, बातें करेंगे कि सारा निश शकीला को मार दिया। शनु आप पुलिस से भागते हुए चिल्ला रही थी कि मैंने नहीं मारा उसे, सायमा का दिल समान को लगाम दे वरना ये समझेगी कि सायमा ने कत्ल कर दिया शकीला को। अबे कैसी बातें कर रही हैं आप, सायमा भी मेरी बहन थी। कि शकीला तो तुम्हारी अपनी सगी बहन थी ना, सायमा भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। आप मुझे ऐसी पराया कर देती हैं एक ही मिनट में।
बुरा लग गया ना इसे। इरफान जा, उज्मा को भी ले जा, मेरी तो बस सायमा ही बेटी थी अपनी। नहीं अम्मी, उज्मा यहीं आपके पास रहेगी। आप बहुत डिस्टर्ब हैं, उज्मा आपका ख्याल रखेगी। नहीं, मैं आपके साथ चलती हूँ, वहाँ अम्मी को भी तो ज़रूरत होगी ना मेरी। नहीं उज्मा, अम्मा का ख्याल रखने के लिए इरम और रूबी आपा है ना, तुम अपनी अम्मी का ख्याल रखो। और ये कुछ पैसे रख लो, मैं चलता हूँ। आंटी अपना ख्याल रखिएगा। डॉक्टर साहब, पैदर पे सदमात की वजह से ये शदीद ज़हनी तनाव का शिकार है, तो इनको हॉस्पिटल ले जाएं? फिलहाल इसकी जरूरत नहीं, मैंने इन्हें सुकून का इंजेक्शन दे दिया, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि कोई इन्हें डिस्टर्ब ना करे और ना ही इन्हें खुद से जगाने की कोशिश कीजिएगा। और हाँ, कोशिश कीजिएगा कि ये तन्हा ना रहे, क्योंकि शदीद ज़हनी इंतशार में आकर ये कोई गलत कदम भी उठा सकते हैं। नहीं, मैं किसी नौकर को कहूंगी कि साथ रहे। उम्मीद है कि जब जागेंगे तो नॉर्मल होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई गैर मामूली बात नोट करें तो प्लीज मुझे जरूर फोन कीजिएगा, मैं इन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर दूंगा। और कोशिश कीजिएगा फिलहाल पुलिस इनसे कोई बयान ना दे। मैं आपको ये रिटन स्टेटमेंट देके जा रहा हूँ ताकि आपके काम आ सके। आपको शन्नो के इतराफ के बाद भी यकीन नहीं आ रहा कि शकीला की मौत हाथ के रग कटने से नहीं बल्कि घरेलू टोटके ने उसके बच्चे और उसकी जान ले ली है। अच्छा अच्छा, बस अब इस बात का जिक्र राहिला के सामने मत करना, सौतेलापन जाग जाएगा उसका। अम्मी, अम्मी, काश काश शकीला के बाद साइमा की जगह मुझे ही मौत आ गई होती। आप अपने हाथों से मेरा गला दबा दें, मगर खुदा के लिए ये अल्फाज बार बार दोहरा के मुझे हकीर मत किया करें। क्या करूं, हकीकत यही है। अम्मी, निकल आए अब इस जुमले के अजाब से। आप इस लड़की ने आपकी सगी बेटियों से ज्यादा खिदमत की आपकी। नहीं आया, मैंने अम्मी पर कोई एहसान नहीं किया। मेरा बस चलता ना तो मैं अम्मी के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। मैंने कोई एहसान नहीं किया। हया, तुम पुलिस स्टेशन गई थी? हाँ, और मैंने FIR कटवाई है, शकीला की खुदकुशी की और सायमा के कत्ल की। FIR दर्ज करवाई है? हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि रईसा बेगम के दोनों बेटों को फांसी लगे, फांसी चढ़े वो दोनों। जैसे मेरा घर बर्बाद हुआ है ना, वो भी बर्बाद हो। तुम खुद इस तरह बिखर जाओगी तो अम्मी को कौन समेटेगा? तुम्हें पता है या? अब्बू हम पांचों को अपने गुलशन की कलियां कहते थे। पता नहीं कौन सी ऐसी आंधी आई जिसने हम कलियों को पत्तियों में बिखेर के रख दी। इस बात का तो यकीन है ना तुम्हें कि
तो ये आंधियां भी खुदा की मर्जी से चलती हैं, और ये तो कानून है फितरत राहिला कि फूल पत्ती पत्ती बन के बिखर जाता है, मगर उसकी खुशबू हमेशा हमेशा साथ रहती है, वो कभी नहीं मरती। पता नहीं खून के रंग को इस सगे और सौतेले का नाम किस सितमगढ़ ने दिया है, और हमारे गुलशन को इसी एक तफरीत ने उजाड़ दिया। मैं घर जा रही हूँ राहिला, तुम मम्मी का ख्याल रखना। हया, तुम अगर रुक जाती तो अम्मी को तुमसे बहुत हौसला है। उधर फौजिया बेगम भी घर में अकेले, उनका ख्याल भी तो रख, और फिर मुस्कान भी घर में अकेली। तुम्हें यकीन है ना कि साइमा की मौत हादसाती तौर पर ही हुई है? हाँ, अदनान के ना चाहने के बावजूद भी, लेकिन मौत तो मौत है ना। पछतावा तो साइमा को वापस नहीं ला सकता, बेगम साहब, मैं साइमा और शन्नू के कमरे की तलाशी ले रहा। मगर क्यों? शकीला की बहन हया ने रिपोर्ट करवाई है कि शकीला की मौत हादसाती नहीं, उसे खुदकशी पर मजबूर किया गया और उस पर तशद्दुद किया गया, जिसकी वजह से उसके बच्चे की डेथ हो गई, और ये काम साइमा और शन्नू ने किया। लेकिन साइमा तो उसकी बहन थी, और अब वो भी इस दुनिया में नहीं रही, तो किसके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे? शन्नू भी गिरफ्तार हो गई। बेगम साहिबा, जिस तरीके से खुदकशी करना जुर्म होता है, इसी तरीके से खुदकशी पर मजबूर करना भी जुर्म होता है। प्लीज आइए। आखिर आप लोग चाहते क्या है? देखिए, मैं ब्लड प्रेशर की मरीज हूं। बेगम साहिबा, हमें अपना काम करने दें, आप आराम करें, और अपने बेटे जहांजेब को जरा भेज दें। वो नहीं आ सकता, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने मना किया है उठने के। सर जी, सर जी, एक लिफाफा मिला है, पता नहीं कैसे खुशबू आ रही है इसमें। अच्छा, ये क्या है? बेगम साहिबा, ये वही ब्राउन लिफाफा है जिसके बारे में हमें रानी ने बताया था। रानी वही जिसने दवाई बनाई थी। आपके ताऊन का बहुत बहुत शुक्रिया, अपने बेटे जहांजेब को थाने भेज दिया। जहांजेब? लेकिन अदनान तो गिरफ्तार है। अदनान तो साइमा के कत्ल के केस में गिरफ्तार है, अब हम शकीला के केस की तहकीकात कर रहे हैं। आ जाओ। उसकी
दो बहनें दुनिया से चली गई और आप लोगों में से कोई अफसोस के लिए भी नहीं गया? क्यों जाए भाई हम? उनकी बहनों को तो आदत है मरने की, जब देखो कोई ना कोई मर जाता है। अम्मी प्लीज, ये तो फौजिया बेगम का एहसान है कि उन्होंने मुझे कबूल कर लिया। अब कम से कम मैं रियासत के सामने शर्मिंदा तो नहीं होंगी ना। तो क्या सारी जिंदगी अपनी सौतन की मुलाजमा बन जाओगी, नौकर बनकर रहोगी? रानी बेटी।